हाई एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक्ने कंट्रोल क्लींजर का रिव्यू। सो एक्चुअली एक्ने की प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन है, मतलब 100 में से 80-90% सबको होती है, मुझे भी होती है। सो मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो किस वजह से। मैं आप लोगों के साथ एक क्लींजर शेयर करूंगी जिसने मेरे एक्ने को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से हेल्प करी है, जो कि बेसिकली मिलकर बनाया है सैलिसिलिक एसिड से, नीम लीफ से एंड टी ट्री ऑयल से मिलकर बना है। सो एक्चुअली ये पिंपल को कंट्रोल करने में पूरे तरीके से हेल्प करी है। अभी नाउ डेज मुझे थोड़े कम हो गए हैं, पहले 1-2 मंथ पहले मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम था, आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोज़ के अंदर। अभी उसको यूज़ करने से मुझे थोड़ा कंट्रोल मिला है क्लींजर को यूज़ करने से। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ वो रिव्यू शेयर कर दूँ। जिस क्लींजर का रिव्यू मैं शेयर करने जा रही हूँ वो अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। सपोज ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो उसके हिसाब से अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है और न्यूड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली ये है न्यूड का क्लींजर। ये बेसिकली एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आता है, अंदर इसमें इस टाइप से एक ब्रश आता है जिसको आपको इस टाइप से क्लीन करना, नॉर्मल जैसे फेस वॉश आते हैं। बहुत कम फेस वॉश के साथ में इस टाइप का क्लींजर लाइक सिलिकॉन ब्रश आता है, बट इसके साथ में ये ब्रश आता है जिससे आपको इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। इसका टेक्सचर काफी अच्छा है। सो ये बेसिकली मिलकर बना है सैलिसिलिक एसिड से मिलकर बना है। सो सैलिसिलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हमारी स्किन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, जितने भी फ्लेक्स होते हैं उनको फ्लैश आउट करता है, उनको बाहर निकालता है। और इसके साथ में जो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं पोर्स के अंदर, जो हमारे फेस के जो पोर्स होते हैं उनके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको अच्छे तरीके से फ्लैश आउट करता है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड हमारी स्किन के अंदर डिजॉल्व होकर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। सेकेंड, ये मिलकर बना है नीम लीफ एक्सट्रैक्ट से। सो कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि नीम लीफ जो होती है अपने आप में ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करती है। सो हम ऐसा होता है कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो ऑब्वियसली डस्ट या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो डेफिनेटली हमारी स्किन को होता ही होता है। सो नीम लीफ एक्सट्रैक्शन से इसको बनाया गया है, जो भी हमारी स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। यू नो, कभी कभी हम पिंपल्स को फोड़ देते हैं तो हमारे नेल्स से भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है स्किन के अंदर होता है उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। प्लस ये मिलकर बनाया थर्ड जो है वो टी ट्री ऑयल से। टी ट्री ऑयल जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब आप सोचो कि कैसे, तो टी ट्री ऑयल जो होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या इम्प्योरिटीज़ हमारे सेल वॉल के अंदर बनती है उसको वीक करने में हेल्प करता है। सो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं हमारे फेस के एक्ने को कंट्रोल करने के लिए, और इन तीनों से मिलकर बना है सैलिसिलिक एसिड, नीम लीफ एक्सट्रैक्शन एंड टी ट्री ऑयल, इन तीनों से मिलकर ये क्लींजर बना है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप देख सकते हैं अभी मेरे फेस पे कोई भी एक्ने नहीं है, अभी सिर्फ मार्क रह गए हैं जो मुझे पहले एक्ने होते थे उनको, और मेरी ये भी आदत थी कि मैं अपने एक्ने को फोड़ देती थी तो उस वजह से भी इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता था। जब से मैं इस क्लींजर को यूज़ कर रही हूँ मेरा एक्ने कंट्रोल बहुत अच्छा रहा है। मैं आप लोगों को ये हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ एक ट्राई ऑन भी शेयर करूँगी कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। नॉर्मल फेस वॉश जैसे आप फेस वॉश करते हो वैसे आप कर सकते हो, बट इसके अंदर एक ब्रश आता है सिलिकॉन ब्रश, जो कि आपकी स्किन के अंदर जितनी भी डेड इम्प्योरिटीज़ होती है या जितनी भी डर्ट होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से फ्लश आउट करता है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने फेस को वेट कर लिया। अब इसको जब प्रेस करते हैं तो इस टाइप के फॉर्म्स बन के इसमें बाहर आते हैं, तो आपको इस टाइप से जैसे कि स्क्रब करते हैं उस टाइप से आपको अपने फेस को क्लीन करना है। मैंने जस्ट अपना मेकअप रिमूव किया है और इस क्लींजर को यूज़ कर रही हूँ, तो आप इस टाइप से आप सर्कुलर मोशन में आप इसको क्लीन करोगे तो जो भी आपकी इम्प्योरिटी होगी आपके फेस पे, डर्ट वगैरह, वो सारी बाहर निकल के आ जाएगी और आपके फेस को एक अच्छी सी लाइक क्लीन और फ्रेश फील होगा आपको, कि आपको ऐसा लगेगा कि सारी डर्ट वगैरह जो भी है वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको इस क्लींजर को यूज़ करना है। आप देख सकते हो इस पर डर्ट भी आ गई है, मैं आपको पूरा कंप्लीट यूज करके बताती हूँ। जितनी भी इम्प्योरिटी या रेस्ट ऑफ मेकअप था वो सारा इस क्लींजर के ब्रश पे आ गया है, आपको दिख रहा होगा, तो वो सारा जो है इस पर कलेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली मुझे इस टाइप के सिलिकॉन ब्रश वाले जो क्लींजर होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो
अच्छे से क्लीन करते हैं, लाइक डीप स्किन क्लीनिंग करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं मेरा फेस वॉश करके आपको बताती हूँ। तो अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद टॉवल की हेल्प से मैंने ड्राई भी कर लिया, तो मुझे बहुत ही अच्छा क्लीन एंड फ्रेश लग रहा है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कुछ हैवी या स्टिकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर निकल गया, तो बहुत सॉफ्ट एंड फ्रेश लग रहा है। सो गाइस, ट्राई ऑन तो आपने देख लिया होगा, तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से इस क्लींजर को यूज़ करना है। बहुत अच्छे तरीके से मसाज करते हुए आपको इसको यूज़ करना है। एंड नीम लीफ एंड सैलिसिलिक एसिड एंड थर्ड इज टी ट्री ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। यू नो, डेड स्किन को रिमूव करना एंड इम्प्योरिटीज को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेस के लिए, अगर आप एक्ने को कंट्रोल कर रहे हो तो। बिकॉज अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इम्प्योरिटीज प्रॉपरली रिमूव नहीं होगी तो आपका एक्ने प्रॉब्लम जो है फिनिश नहीं होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी जो हमारी स्किन के लेयर पे जमा होती रहती है उससे हमको एक्ने निकलता है। ऐसा नहीं है कि खाने पीने से ही एक्ने होता है, आपको स्किन को, आपके फेस को क्लीन रखना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में ये सी सनबर्न जो होता है उससे भी आपको प्रोटेक्शन रखता है। सो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हो। आपको वीडियो कैसा लगता है आपको मुझे कमेंट में बताना है। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।